मोदी जी को आप एनसीआर समाचार के माध्यम से एक हम चुनौती देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, बंगाल के विषय में एक बार नहीं सोचे जो प्रवासी मजदूरों के लिए कैसे हम व्यवस्थित रूप से ट्रेनों का सुव्यवस्थित व्यवस्था दें। एक बार वो अगर मीटिंग कर दिए होंगे, हम आपको विश्वास करते हैं कि आज से ही हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता कांग्रेसी नेता सिर्फ राहुल गांधी को कठपुतली बना रखा है, उनसे न्याय यात्रा करवा रहे हैं। मैम, हमारे यहाँ नेता जुमला का नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। अगर जुमला हमारे नेता करने लगे ना, तो इसी से सब नेता तो भाजपा में गए हैं। हम जुमला नहीं चाहते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार यानी कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि वो काफी बड़े भी हैं, उनका पद भी बड़ा है, उन्हें काफी समझ भी है, काफी टाइम से लंबे समय से वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। पर ये भी सूत्रों से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने वाले हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड से सचिव और मजदूर संघ के अध्यक्ष सीतन से बातचीत करेंगे। ये क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है कि नीतीश क्या एनडीए में जाने वाले हैं क्या? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में आपका। धन्यवाद। हाँ, और हाँ ये बताइए, नीतीश क्या एनडीए में जाने वाले हैं क्या? देखिए, कयास लगाने से कुछ नहीं होती है। नीतीश जी पूरे मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए अभी जो इंडिया गठबंधन की जो प्रयास जारी है कि कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, उसका एक बहुत बड़े वो घटक हैं, मसीहा हैं उसके, वो इसलिए सब अफवाह है। सब कयास लगाया जाए, विपक्ष का काम है अपना काम करना, और सत्ताधारी का होता है कैसे हम विपक्ष को हम अलीगल लगाकर उसे हम डैमेज करें, उसे कंट्रोल करें इसके माध्यम से, ऐसा नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है क्या घटक? मल्लिकार्जुन वो तो स्वयंभू है, वो कैसे नहीं है? सारा वो रचयिता तो हमारे प्रधानमंत्री बनेगा विपक्षी तरफ से। देखिए, अभी लोकतंत्र बचाने की बात है, लोकतंत्र में जो न्याय यात्रा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, और उनके माध्यम से जो न्याय लोकतंत्र की होगी, इसके बीच में लोकसभा का चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद में तय होंगे। लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है इसमें प्रधानमंत्री, इसमें कोई बात नहीं है। राहुल गांधी हो, एक आम जन भी बने हैं, खड़गे जी क्या है? उनकी जब गाथा को अध्ययन करेंगे, उनकी इतिहास को, तो आप दंग रह जाएंगे। तो या जो इंडिया गठबंधन और खास करके जो कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को, पूर्ण रूप से एक लोकतंत्र के एक नागरिक जो सच्चे हैं, जो पार्टी के समर्पित हैं इंडिया गठबंधन में, कोई भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके लिए कोई मुद्दा नहीं है कि नीतीश होंगे जी होंगे, हमारे राहुल बाबा जी होंगे, हमारे खड़गे साहब, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। पहले चुनाव तो लोकतंत्र बचाने का, हम लोग पहले जीत तो कर लें इंडिया गठबंधन के माध्यम से। एजेंडा होगा जिस तरह से हमारी आदरणीय शहीद इंदिरा गांधी जी ने शुरू से नारा देते आई है कि कैसे हम जमीन के पंचायतों में रहने वाले, हमारे शहीद राजीव गांधी जी ने जो सत्ता का पावर देने के लिए जमीन पर दिए थे कि जमीन में जो है लोग पंचायतों में गाँव में जो बसते हैं उनको सत्ता पूर्ण रूप से कैसे हाथों में दिया जाए, वह फिर दोहराया जाएगा, और गरीबों को फिर गरीबी से दूर करने का जो प्रयास था हमारे आदरणीय मनमोहन जी का, वह प्रयास को फिर दोबारा दोहराया जाएगा कि वह कैसे गरीबों को फिर अमीर और उनके पॉकेट में पैसे पैसा जाए। क्योंकि राहुल गांधी को कह रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता कांग्रेसी नेता सिर्फ राहुल गांधी को कठपुतली बना रखा है, उनसे न्याय यात्रा करवा रहे हैं। मैम, हमारे यहाँ नेता जुमला का नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। अगर जुमला हमारे नेता करने लगे ना, तो इसी से सब नेता तो भाजपा में गए हैं। जमीन हम जुमला नहीं चाहते हैं, जमीन तो उधर भी कहाँ रहे हैं ना विपक्ष के नेता। ये सब जानने देता तो जो इसमें देखिए मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, इस जानने दें तो अभी के जो युवा हैं वो इतिहास को पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन इतना मीडिया के माध्यम से भी पैसा ही खर्च करते हैं हमारे जो अभी सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैम, हम एक चीज और हम बोलना चाह रहे थे, बीच में हमको याद हो रहा है कि जो हमारे आदरणीय शहीद इंदिरा गांधी जी, शहीद राजीव गांधी जी जो नारा दिए थे कि गरीबी से बाहर निकालेंगे, और उसका आदरणीय स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन साहब जो गरीबी दूर निकालने का जो कार्यक्रम लेकर के चले, और जो 14 के बाद फिर वह वापस कर दिया गया, वहीं पर हम फिर वह नारा दे रहे हैं, हमारी पार्टी देगी, हमारी इंडिया गठबंधन देगी कि हम गरीबी दूर करेंगे। हम एक विकसित कहाँ गरीबी से हटा दे, आज जो दुर्दशा है ट्रेनों में,
क्या हम गरीबी वाले प्रवासी में आवास, आप जो रेलवे का दुर्दशा देखिए, अभी हम फिर जाएंगे रेल में, हम एक प्रवासी मजदूर का, अभी झारखंड का अध्यक्ष हूँ भगवान बिरसा मुंडा, मजदूर तो खुद प्रवासी का, इतना दुर्दशा रेलवे में है, रेलवे में इतना दुर्दशा है कि कहना नहीं है, बदतर हो गया है स्थिति की, कैसे सवारी होता है। अभी रेलवे इनको सबसे पहले सुधारना था, क्योंकि प्रवासी मजदूर 4-5 स्टेट में सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा वोट वहीं से इनको मिलती है। लेकिन एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही नहीं सोचे कि प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में उनको मालूम चल गया, तो ऐसे तो लॉकडाउन लगा दिए बगैर प्रवासी मजदूर को व्यवस्थित किए, ऐसे वो घर जाए क्या करें। आज जो आने जाने का है, पहला इनको झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के विषय में एक बार नहीं सोचे जो प्रवासी मजदूरों के लिए कैसे हम व्यवस्थित रूप से ट्रेनों का सुव्यवस्थित व्यवस्था दें। एक बार वो अगर मीटिंग कर दिए होंगे, हम आपको विश्वास करते हैं कि आज से ही हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम कभी सोचे कि प्रवासी मजदूरों के बीच में क्या समस्या होती है, कैसे अभी हम जाएंगे, किस तरह से जाएंगे उसका पता नहीं है। अभी 15 दिन हो गया है मीटिंग में चल रहा है, मेरा कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। एकदम जनरल टिकट जैसा भूल जाइए, स्लीपर में वही स्थिति, 2 AC में भी वही स्थिति देख रहे, 3 AC में भी देख रहे हैं। 9 साल से क्या होगा, 20 साल का ये, इनको 20 साल सत्ता में ही रह चुके हैं, इनके समर्थन से, इनके द्वारा, और 16-17 साल हो जाएगा प्योर रूप से। अभी क्या चाहिए, तो 5 साल गिनाते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 60 महीना हमको दीजिए, देखिए कैसे तकदीर, अब क्या चाहिए इनको, तकदीर बदल देंगे, काला धन ला करके सबको यूं ही हम देंगे काला। अरे यही सब चीज तो कहते हैं ना मीडिया के माध्यम से, यही सब तो सुना सुना करके हमारे जो है मित्र उनको ही खत्म करते हैं। एक चीज मोदी जी को आपके NCR समाचार के माध्यम से एक हम चुनौती देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि जिस तरह से हमारे नेहरू जी, जिस तरह से हमारे आदरणीय इंदिरा जी, राजीव जी जो हमारे हैं, गरीबी निकालने का वादा मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में रखते हैं और गरीबी निकालने का काम वो किया और नहीं निकला, फिर वो दोहराएंगे कि गरीबी से हम बाहर करेंगे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जो 15-20 वादाएं किए थे, इसमें 5 रूप प्रमुख रूप से कहेंगे कि अब जो 2024 की चुनाव है उसमें वो घोषणा पत्र जो उनका 5 था, एक चीज को भी पूरा नहीं किए, वो एक चीज भी वो पूरा नहीं कर पाए। अगर पूरा वो किए होंगे तो उनको बताएं काला धन हर हाल में बुलाएं वापस, काला धन नहीं, 2 मिनट अब समाप्त हो गया, काला धन वापस ले आए, क्या कहते हैं आपका सस्ता हुआ जो कार्यक्रम किए काला धन का, 2 करोड़ नौकरी का, फिर यह घोषणा पत्र मैं दोहराए क्योंकि पूरा नहीं किया, ये चुनाव लेकर के आवे 2024 में जनता को फिर से ही बोलने का एकदम है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हर समय गरीबी दूर करने का मैनिफेस्टो में बात रखती है। मेरा अंतिम सवाल सुन लीजिए, 24 में क्या होगा? 24 में इंडिया गठबंधन भरपूर रूप से जीत रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ झारखंड के सचिव, तो इन्होंने कहा कि 24 में विपक्ष गठबंधन जो है पूरी तरीके से बहुमत से जो है इस बार सरकार बनाने वाला है और भाजपा सरकार इस बार हारने वाली, पर देखना होगा, 24 का इंतजार करना पड़ेगा हम सभी को क्या होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।